Hello friends, welcome to Biyani channel. Today we are discuss about molecule markers. Molecular markers specific DNA specific gene hota hai jinke paas inheritable characters hote hain. Inheritable characters se matlab jo ek generation se dusri generation mein ja sakte hain. Dusra ye specific genome hote hain jinko identify aur kinka characterization karna bahut hi aasan hota hai. Is identification se matlab ye hota hai ki wo kis tarike se pehchane jate hain, unki pehchan unka koi character ho sakta है, या कोई प्रोटीन या कोई कलर या कोई स्मेल या कोई एंजाइम्स, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं. मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं ये जीनोम प्रोफाइलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. ये टू टाइप्स की होती हैं. पहली होती है बायोकेमिकल मार्कर्स, सेकंड होते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर्स. बायोकेमिकल मार्कर्स इज ए केमिकल कंपाउंड्स, जेनेटिक मार्कर्स से छोटे छोटे डीएनए के सिक्वेंस इसके अंदर आ जाते हैं. तो बायोकेमिकल मार्कर्स जो होते हैं इसके अंदर एलो एंजाइम और आइसो एंजाइम ये दोनों उसके कैटेगरीज के अंदर आते हैं. लेकिन जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मार्कर होता है ये इसका ये एक तरीके का टाइप होता है, डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म का अंदर टाइप होता है. इससे हम छोटे छोटे प्रॉप्स बनाते हैं जो ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर के तौर पे काम में लिए जाते हैं. जो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है मॉलिक्यूलर प्रॉप. किसे कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉप? एक तरीके की एंटीबॉडी होती है जो कि लेबल्ड होती है, या तो वो इन्फ्लोरेसेंस से लेबल्ड होगी या फिर रेडियो एक्टिव केमिकल कंपाउंड से लेबल्ड होगी. तो ये मॉलिक्यूलर जो प्रॉप्स एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेशन को पहचानती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, स्पेशल प्रोटीन को पहचानती है. मतलब कि प्रोटीन की यानी कि एक एंटीजन के अपोजिट एक एंटीबॉडी बनती है. ये एंटीबॉडी अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन को पहचानती है, उस पर जाके बाउंड कर जाती है. इस तरीके से मान लो एक डीएनए है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पे बाइंडेड करती है. अगर इस बाइंडेड प्रोटीन के जस्ट अगेंस्ट अगर हम एक एंटीबॉडी को डेवलप कर लेते हैं तो इस प्रोटीन की लेबलिंग हो जाएगी, यानी कि लेबल्ड एंटीबॉडी आके इस प्रोटीन पे जाके बाइंड कर जाएगी. तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रोबिंग. तो एक एंटीजन होता एंटीबॉडी होती है वो रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि एंटीजन को. प्रोटीन है सबसे लिए फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन बनती है और प्रोटीन के पास ये एंटीबॉडी आके बाइंड करगी, लेबल एंटीबॉडी बाइंड करगी जिससे हम अपने प्रोटीन को ट्रेस करते हैं सेल के अंदर. बायोकेमिकल मार्कर्स के बारे में स्टडी करते हैं. बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है जीन एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की स्टडी करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर हमारा डिज़ायर जीन हमने इसके अंदर एंटर करवाया या किस उस सेल के अंदर वो जीन प्रेजेंट है या नहीं है. तो वो जीन के प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसके अंदर वो उसकी प्रेजेंट्स को जानी जाती है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल मार्कर को यूज़ में लिया जाता है. जीन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है. ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसका एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन मतलब उसकी प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर आती है. फिर इस बायोलॉजिकल मार्कर को उसको एज ए इंडिकेट किया जाता है, उसे सब्सट्रेट दिया जाएगा या फिर कई सारे उसके एंजाइम सब्सट्रेट वगैरह एंजाइम दिए जाते हैं ताकि उसको इंडिकेट कर सके कि वो प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर उसकी लेबलिंग करवाई जाती है. तो उस प्रोटीन को अलग करने के लिए जो कई उस कैरेक्टराइज करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर स्ट्रेनिंग मैथड को हम यूज़ में लेते हैं. बायोकेमिकल मार्कर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है आइसो एंजाइम, दूसरा होता है एलो एंजाइम. बायोकेमिकल मार्कर के टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है आइसो एंजाइम, दूसरा होता है एलो एंजाइम. आइसो एंजाइम होता है ये सेल्स के अंदर एक टाइप का एंजाइम तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ उसके जैसे ही प्रॉपर्टी यानी कि उसके जैसे ही रिएक्शन करने वाला उससे जस्ट डिफरेंट वेरिएंट एंजाइम होता है. मतलब कि एक सेल के अंदर ऐसे दो एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ऐसे ये दोनों ही एंजाइम जो कि अलग अलग नेचर के हैं, एक एंजाइम है वो भी सेम काम करता है, दूसरे एंजाइम है वो भी सेम काम करता है, लेकिन इनका काम तो एक है लेकिन ये एंजाइम्स अलग अलग है. दो अलग अलग एंजाइम्स एक ही केमिकल रिएक्शन को
को मत को रिएक्शन को आगे उसको चेंज करते हैं, उस पर कैटालिटिक इफेक्ट दिखाते हैं. तो ये इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो आइसो एंजाइम कहलाते हैं. ये वेरिएंट होते हैं, इनकी कैटालाइज प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, इनका काम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन होते हैं ये अलग अलग. दूसरा होता है जो केमिकल, ये सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और ये डिफरेंट लोकस के अंदर होते हैं. मतलब कि एक जीन इसका अलग रहेगा, वो अलग उसकी लोकेशन होगी, दूसरे का जीन अलग रहेगा, उसकी अलग लोकेशन एक जीनोम के अंदर उसकी होगी. और इसकी इनमें कई तरीके से डिफरेंस होते हैं. इनकी काइनेटिक पैरामीटर्स इनके अलग अलग होते हैं. दूसरा, इनकी रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग रहती है. मॉलिक्यूलर वेट इनका अलग अलग होता है. अगर एंजाइम्स का अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाएगा तो उसके बाइंडिंग पैटर्न्स भी अलग अलग हमें मिलते हैं. और लेकिन इसका एक ही इफेक्ट होता है सेल के अंदर कि मेटाबॉलिज्म बड़ा ही फाइन, बड़ा ही अच्छा हमें देखने को मिलता है. इस तरीके से हम आइसो एंजाइम को हम इंडिकेट करते हैं, पहचानते हैं. इसे बायोकेमिकल मार्कर के तौर पे आइसो एंजाइम को काम में लिया जाता है. दूसरी तरफ हम अगर एलो एंजाइम की बात करते हैं तो आइसो एंजाइम से बिल्कुल अलग एलो एंजाइम होता है. यानी कि ऐसा एंजाइम जो सेल में सिर्फ एक ही होता है. एक सेल बनाई मैंने, उसके अंदर ये ही एंजाइम है, दूसरा इसके जैसा कोई वेरियंट एंजाइम नहीं है, या फिर इसके जैसा कोई दूसरा ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसकी रिएक्शन करता हो. इसे हम कहते हैं एलो एंजाइम. इस वर्ड इससे साथ जुड़ा हुआ रहता है. तो ये डिफरेंट एंजाइम होता है. और बात करते हैं कि ये जो एंजाइम है अलील पर डिपेंड करता है, यानी कि ये पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस के लिए होता है. ऐसे दो अलग अलग जीन नहीं होते, जीन एक ही होता है, बस वो अलील फॉर्म के अंदर होता है. वही एंजाइम है, वही लोकस है, लोकस में भी कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बस अलील फॉर्म के अंदर होता है. तो डिफरेंट अलीलिक एंजाइम होता है ये. इसे डिटेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू किया जा सकता है. ये जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए पॉपुलेशन एसेस. तो पॉपुलेशन के जीन्स के अंदर जितनी भी वेरिएशंस होती है उनको स्टडी करने के लिए हम एलो एंजाइम को काम में लेते हैं. सेकंड इसका आता है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री जो किसी एवोल्यूशन को शो करते हैं, ऐसे ट्री के फॉर्मेशन करने के लिए बायोकेमिकल मार्कर एलो एंजाइम को काम में लिया जाता है. तो ये दो एंजाइम्स हो गए, आइसो एंजाइम, एलो एंजाइम. वेरिएंट्स होते हैं, अलील्स होते हैं. ये पूरी अलग प्रोटीन होती है, ये पूरी अलग प्रोटीन नहीं होती है, बल्कि यही प्रोटीन होती है, बस वो एलीलिक फॉर्म के अंदर होती है. इनके जीन्स भी सेम लोकस होता है, लेकिन बस उनके थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है उनके कोडोन्स के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो वेरिएशन उनके अंदर आ जाता है, डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, रिसेसिव, ये सारे नेचर इसके अंदर देखने को मिलेंगे. बल्कि इसके अंदर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी. इसके अंदर तो बस एक एंजाइम है, उसका जिसके जैसा दूसरा एंजाइम आया, वो दोनों का काम एक ही है. तो ये आइसो एंजाइम इसके अंदर आता है. तो ये हो गए बायोकेमिकल मार्कर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.